हेलो दोस्तों, जय माँ काल, राम राम, राधे राधे। सुनने टू इन्फिनिटी चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर शेयर करें। ऐसी इंटरेस्टिंग ट्रिक पाने के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं, जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। दोस्तों, वीडियो पूरा जरूर देखें, जिससे आगे आने वाले राजस्थान के जितने एग्जाम हैं, पटवारी, वनपाल, वन रक्षक, राजस्थान में जितनी भी जीके आएगी, तो उन सभी में आपको हेल्प मिलेगी। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज का टॉपिक बचा है हमारा, जो शुष्क मरुस्थलीय वनों में जो पाए जाने वाले, मतलब शुष्क मरुस्थलीय वन है उसे, उसमें जो वृक्ष पाए जाते हैं वो, और रेगिस्तान में जो वृक्ष पाए जाते हैं वो, एक ही बात है दोनों। तो उनकी हम ट्रिक देखेंगे दोस्तों आज। तो शुरू करते हैं आज रेगिस्तान में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष। तो दोस्तों, इसकी इंटरेस्टिंग ट्रिक है कि बेसुरों की आँख ठीक ना थी। क्या है कि बेसुरों की आँख ठीक ना थी, खैर भूल जाओ, इंटरेस्टिंग है दोस्तों। तो बेसुरों की आँख ठीक ना थी, खैर भूल जाओ, अपना क्या है, भूल जाते हैं। तो रेगिस्तान में जो वृक्ष पाए जाते हैं दोस्तों, ये इसकी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। देखते हैं, बेर से हो जाएगा दोस्तों बेर। सू से हो जाएगा दोस्तों, जो सू है उसका हो जाएगा सू बबूल। और इससे हम याद रख सकते हैं बबूल भी, तो सू बबूल याद रखना, सू से हो जाएगा सू बबूल। रो से दोस्तों हो जाएगा रोइडा, याद रखना दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, रोइडा। और की से हो जाएगा दोस्तों, की से क्या हो गया केर। और आँख से हो जाएगा दोस्तों आँख। और खजूर, खैसे क्या हो गए, खजूर हो गई दोस्तों। और ठीक से हो जाएगा दोस्तों टीकर। और ना से हो जाएगी दोस्तों नागफनी। थी से हो जाएगा दोस्तों थोर। थी से क्या हो गया, थोर। खैर से हो जाएगी दोस्तों खेजड़ी। और बुल से हो जाएगा दोस्तों बबूल। तो इन्हें जरूर याद करना दोस्तों, क्योंकि ये कई बार पूछ लेते हैं कि रोइडा कौन से वनों में आता है। तो ये दोस्तों शुष्क मरुस्थलीय वनों में आता है, और इनको रेगिस्तान में जो पाए जाने वाले वृक्ष हैं उनमें भी गिनती होते हैं, क्योंकि रेगिस्तान और मरुस्थल वन एक ही बात है। तो उनको याद कर लेना दोस्तों ज़रूर। तो आज की ट्रिक यहीं पूरी होती है। पहले वाले वीडियो ज़रूर देख लें दोस्तों, जो शुष्क सागवान के वन हैं उसकी ट्रिक, मिश्रित पतझड़ के वन उसकी ट्रिक, और अर्ध शुष्क सदाबहार के वन उसकी ट्रिक। तो ये दोस्तों, ये सभी पिछले वाले वीडियो में मिल जाएंगे ट्रिक के साथ। और कल हम पढ़ेंगे जो शुष्क मरुस्थलीय वन हैं उनमें जो घासें पाई जाती है उनकी ट्रिक। तो दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें, कोरोना की वजह से रुके नहीं, घर रहें, सेफ रहें, और घर से ही पढ़ लो जाए। तो दोस्तों, आजकल तो सभी ऑनलाइन है, तो सब मिलेगा आपको, पढ़ते रहो। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।